आज हम बनाएंगे आम का अचार, तो इसे आम भी कहते हैं और कुछ लोग कैरी भी कहते हैं। ये 5 केजी आम है, अब इसे देखिए कैसे बनाते हैं। ये पानी है, बाल्टी में पानी ले लिए हैं। इस तरह से बनाइएगा तो अचार 5 साल तक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। कितना लोग बोलते हैं कि मेरा अचार ख़राब हो गया, तो ख़राब नहीं होगा, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। से धो लेंगे अच्छे से, फिर सूखा कपड़ा से, कॉटन का कपड़ा है, साफ पोंछ लेंगे अच्छे तरीके से, पानी नहीं रहना चाहिए। सब एक एक करके ऐसे ही धो लेंगे, पोंछ पोंछ के रख लेंगे। सूती के कपड़ा से पोंछ लिए हैं, अब इसे काटेंगे, काट के बताते हैं आपको। ऐसे ही सारे काट लेंगे। काट लिए हैं हम, और पानी में नहीं डाले हैं। पहले ही आपको दिखा दिए हैं कि खड़ा आम था, तो अभी पानी में डाल के धो के पोंछ लिए हैं, और पानी में नहीं डालेंगे। कितना लोग पानी में डाल देते हैं, तो हम पानी में नहीं डालेंगे। अब डाल रहे हैं इसमें हल्दी, हल्दी पाउडर। नमक, सौ 150 ग्राम करीब नमक डाल दिए। इसको ऐसे मिला दें, इसे ढक के रख देंगे एक दिन के लिए। आज सुबह हम काट दिए हैं, आज दिन भर रात भर रहेगा इसी तरह से। कल सुबह इसमें का पानी निकालेंगे और आपको बताएंगे कैसे करना। कल हम बताए थे आपको, कल सुबह काट के अचार रखे और हल्दी नमक डाले थे। कल दिन भर रात को, आज 4 बजे शाम को हम फिर इसका उसमें मसाला डालेंगे। देखिए कैसे इसमें जो नमक हल्दी डाले थे उसमें का पानी निकला है, पानी छोड़ा है, तो निकाल लेते हैं इसमें से। देखिए हम निकाल लिए, इतना पानी छोड़ा है, तो पानी को फेंक देते हैं। कढ़ाई रख देते हैं, देखिए मसाला इसमें का तैयार कर लेते हैं। और ये जीरा है, हल्का भूनेंगे इसको, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भून लेंगे इसे। और ये मेथी है 25 ग्राम के करीब। इसे
जवाइन और सौंफ बाद में भूनेंगे। ये जीरा है, धनिया है और मेथी है, तीनों को भून लेते हैं। मिक्सी में ग्राइंड करना है तो थोड़ा हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा गर्म कर लेना है बस। देखिए भून लिए हैं, अब निकाल लेते हैं इसे। ये सौंफ है 25 ग्राम और 25 ग्राम अजवाइन है, थोड़ा इसे भी भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है, एकदम बिल्कुल कम, थोड़ा सा अलग से भून लेते हैं, सिर्फ गरम करना है इसे। हो गया है गरम, बंद कर देते हैं गैस को और कढ़ाई में थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसे पीसेंगे। भूने थे उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। पीस लिए हैं जो धनिया, जीरा और मेथी और सौंफ है, अजवाइन है, भून लिए हैं हल्का, इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, इसी में डाल देते हैं। एक बार थोड़ा दरदरा कर लेना है तो इसी में डाल देते हैं, अलग से नहीं पीसते। अचार अब इसी में डाल देते हैं। ये राई है, पीला वाला सरसों है, उसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये वाला सरसों आप चाहे तो काला वाला सरसों भी डाल सकते हैं। सरसों का पाउडर जो हम बनाए थे वो डाल दिए हैं, और ये लाल मिर्च पाउडर है, तीखा आप अपने हिसाब से डालिए, अचार में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और ये हल्दी पाउडर ऊपर से भी डाल रहे हैं, पहले गलाने के टाइम भी डाले थे, अभी भी डाल रहे हैं। और ये मसाला जो हम ग्राइंड किए वो है, इसे हम कलौंजी भी कहते हैं, तो ये खड़ा डाल देते हैं, इसे नहीं भुने हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। नमक पहले भी डाले थे हम, अभी भी नमक डाल रहे हैं 200 ग्राम। वो नमक तो डाले तो पानी फेंक दिए। और ये सरसों का तेल है तो देखिए डाल रहे हैं, एक लीटर का ये बोतल है तो डाल रहे हैं तेल इसमें थोड़ा। गरम करके नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही डालें, धूप में रखना है। तो 250 ग्राम के करीब डाल दिए हैं तेल हम इसमें, और अब और थोड़ा धूप में सूखेगा, उसके बाद में डालेंगे तेल और गरम करके डालेंगे, अभी ऐसे ही डाल रहे हैं। और इसे सबको मिलाकर और धूप में 2 दिन इसी में रखना है, थोड़ा मसाला मिल जाएगा, सूख जाएगा, तब हम कांच का डब्बा में रखेंगे। तेल कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल देते हैं। लिए हैं सब, और 2 दिन के लिए ऐसे ही धूप में रखेंगे, थोड़ा ये नमक डाले हैं पानी छोड़ेगा और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब डब्बा में रखेंगे।
अचार बहुत जल्द तैयार हो जाता है, एक बार ऐसे बना के आप भी देखिए। हमारा बन गया है, 5-6 दिन से हम धूप में सुखा लिए हैं, इसे अच्छे से सूख गया, पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। अब तेल डाल दिए हैं इसमें, तैयार हो गया है अचार। अब आपको बताए थे कि इसमें पहले तेल डाले थे तो गर्म करके नहीं डाले थे, देखिए 1 लीटर तेल में इतना ही बचा है, पहले और डाल दिया और ये कढ़ाई में और गर्म कर लिए हैं तो थोड़ा कम लग रहा है। आप चाहे तो एक ही बार डाल सकते हैं, और थोड़ा और इसमें डाल देंगे। पानी अच्छे से सुखा सूख गया है, 5-6 दिन से हम धूप में रखते थे ऐसे ही इसी बर्तन में, देखिए कैसे हरा हरा अचार है। ऐसे बनाने से अचार खराब कभी नहीं होगा। देखिए अब हम इसमें रख रहे हैं, पहले का अचार था इसमें तो खाली कर दिए हैं, मसाला है और थोड़ा तेल है इसमें, तो इसी में रखेंगे। पुराना वाला अचार निकाल दिए हैं और इसी में रखेंगे। देखिए इसमें रख दिए हैं, अब ये है एक और है, थोड़ा ज़्यादा पहुँच गया है अचार, तो इसे धो के अच्छे से सुखा लिए हैं धूप में और इसमें रखेंगे। इसका मुँह बांध के ऐसे मुँह बांध के इसे धूप में रख देंगे ऐसे ही और 6-7 दिन के लिए।